आज हम बात करेंगे हाउ अफिलियट मार्केटिंग वर्क्स इसके बारे में। इससे पहले कि हम शो को प्रोसीड करें, प्लीज लेट मी नो कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और कहाँ कहाँ से मौजूद है। मेरा नाम है काशिफ और ये है दानिया। सो वे दानकाश। और आप कौन है, किस शहर से हैं और आपका क्या स्किल सेट है, वेदर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में पता है नहीं पता है। सो सम डिटेल्स इन द कमेंट्स। सिर्फ अपना नाम ना लिखिएगा, नाम के साथ शहर का नाम के साथ स्किल या आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो या नहीं करते हो। ओके हम लाइव हैं जी। जी लाइव और YouTube पे भी लाइव है। YouTube पे उसको लाइव है। Instagram पे लाइव है। यस ओके। सो अपना नाम बताते जाएं, साथ में अपना शहर का नाम बताते जाएं, एज वेल एज आप बताते जाएं कि आपका क्या स्किल सेट है या आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो कि नहीं करते हो। ऑलराइट, और इस तरफ मैं स्क्रीन पे देखती जाऊंगी कि कौन कौन मेरे लाइव। हेलो लविंग क्रिएशंस, कैसे हैं आप? प्लीज अपना स्किल भी बताएं और शहर भी बताएं। विशाल, मुझे फेस विशाल आप फेसबुक। वालेकुम सलाम जीशान, कैसे हैं आप? और विशाल प्लीज बताइएगा कि कहाँ से आप बात कर रहे हैं और आपका क्या स्किल सेट है। वालेकुम सलाम जीशान अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सो कौन कौन है हमारे साथ? जीशान है, विशाल है, शाहीन है, हु एल्स विद अस? कोटली से वीडियो एडिटर है। वेरी गुड। कोटली मेरे बाबा का भाई शहर है। सो ऑलराइट, ठीक है जीशान। फ्रॉम पाकिस्तान। इधर सब ठीक है, कैसे हैं आप? जबरदस्त। विशाल इंडिया से हमारे साथ मौजूद है और शाहीन है हमारे साथ मौजूद। क्या स्किल सेट है शाहीन आपका, क्या करते हो और अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कोई पता है या जानना चाहते हो, क्या सीन है अफिलिएट मार्केटिंग का? ओके, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, गुजरावाला में बेस्ड हैं, दैट्स रियली गुड। और आज हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं वो है अफिलिएट मार्केटिंग। और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके चीदा चीदा क्या नुकात हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। ऑफकोर्स इट इज़ सच अ लॉन्ग टॉपिक कि अगर हम 10 दिन भी बात करते रहें तो अफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक ख़त्म तो नहीं हो सकता, बट आज हम बेसिक्स उसके ज़रूर कवर करेंगे। तो वे आप उसके बारे में मजीद जानना चाहते होगे तो ऑफकोर्स हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम आप ले सकते हो। उसके अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मौजूद है कि कैसे आप जीरो से करके एक सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटिंग का करियर बना सकते हो जिसमें आपको अपने सेल्स और कमीशन्स और सारे। हेलो शफकत, कैसे हैं? लविंग क्रिएशंस यानी विशाल, ब्लॉगर्स के लिए तो बहुत अच्छी अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत वायबल भी है क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। हसनैन कैसे हैं? सकलैन वालेकुम अस्सलाम, यू आर अ लेजेंड, यू आर अ ट्रू लेजेंड बॉय। हसनैन कैसे हो आप? टॉप फैन डायमंड बना रहे हैं आपके साथ। ओके हेलो शफकत एंड हेलो एवरीबॉडी। ओके सो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसे हैं आप मेरे प्यारे भाई? ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग जो होती है क्या होती है, सबसे पहले तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होती है कि किसी बंदे का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू आर समबडी, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, लेकिन आप अर्न करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि एग्जिस्टिंग किसी का प्रोडक्ट या सर्विस उसको आप प्रमोट करते हो और उस प्रमोशन के अगेंस्ट जितनी सेल्स होती हैं उतना आपको कमीशन मिलता है पर सेल। जैसे कि फिजिकल मार्केट में होता है कि आप किसी को सेल के ऊपर कमीशन देते हैं, इस मार्केटिंग में सेम वर्क है। बहुत सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट हो सकती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ग्लास है, कप है, जूते हैं, कॉस्मेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक, सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। बट डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जैसे कोई सॉफ्टवेयर टूल है या कोई कोर्सेज है या कोई ऑनलाइन और कोई ऐसी चीज़ है। सो बहुत फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग होती है और उनके कमीशंस मिलते हैं आप लोगों को। अगर अप टू 50% तक कमीशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% से हायर भी होते हैं, कम होते हैं क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड के पास ज़्यादा मार्जिन होता है। और एज वेल एज अगर आप एक ब्रांड है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके या आपकी सेल्स बढ़ जाए तो भी आप अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अपने ब्रांड में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने दानकाश में किया हुआ है। अगर कोई बंदा हमारा अफिलिएट बनता है और वो हमारे कोर्सेज सेल करता है तो अगर 8,000 का कोर्स है तो 4,000 उसको मिलेंगे, 4,000 हमें मिलेंगे। सो बोथ ब्रांड्स एंड सिंगल मार्केटिंग और दोनों के लिए वायबल है।
Lashkar. Thank you, Lashkar. Thanks for liking our video. Assalamualaikum, Hassan. Hassan, Jabbar. कैसे हैं आप? Hassan, कैसे हैं आप? Okay. Hello, Mona. कैसी हो? कैसे हो आप? ठीक हो? ओके तो समझ आ गई कि यानी सपोज काशिफ बिजनेस है, काशिफ भी कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग कि ये इसकी प्रोडक्ट है, ये कहेगा चार लोगों को ये प्रोडक्ट बेचोगे, अगर ये 10 रुपए की प्रोडक्ट है तो इसमें 3 रुपए तुम्हें मिलेंगे, ठीक है 7 रुपए काशिफ को मिलेंगे, और मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का आइडिया सोचूं फिर उसको मार्केट में टेस्ट करूंगी, रेडीमेड प्रोडक्ट ले लूं, सो मैं काशिफ को अप्रोच करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट बेचूंगी एज एन एफिलिएट और उसके ऊपर मुझे कमीशन मिलेंगे। सो सारी स्टोरी आपको समझ आ गई, कितने लोग हैं इसमें इन्वॉल्व? 4 पीपल इन्वॉल्व है, एक है मर्चेंट जिसकी प्रोडक्ट है, जिसकी सर्विस है, दूसरा है नेटवर्क, नेटवर्क जैसे कि अमेजोन है, क्लिक बैंक है, सीजे है, कमीशन जंक्शन, ये सारे हैं, जेवी जू है, सो मर्चेंट है, फिर नेटवर्क है, फिर पब्लिशर है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर है, ठीक है, पब्लिशर यानी कि जो अफिलिएट मार्केटर है और कस्टमर जो कि बाय कर रहा है, सो मल्टीपल बहुत बतेर ऑप्शंस है अफिलिएट नेटवर्क्स की दुनिया में, अमेजोन है बिगेस्ट है फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, शेयर है सेल इस वक्त 50.51% शेयर जो है अफिलिएट मार्केटिंग में वो शेयर है सेल के पास है, सो वो भी एक बहुत बिग जायंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। जेवी जू है जिसके ऊपर सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, सो मल्टीपल हैं, पाकिस्तान के अंदर है, दराज है, इंस्पीडियम है, हम लोग कर रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऑफर दे रहा है लोगों को, और भी काफ़ी सारे इफ़ यू लुक अप, सो अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हो या आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हो, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ईजियर भी है एंड सबसे अच्छा है, सो अमेजोन बेस्ट है। आपका सवाल था ये बेबी फूड पूछे, मैनेज योर अकाउंट वीडियो बनाए, मैनेज योर अकाउंट एज एन एफिलिएट मार्केटर, ये पूछे आप, अभी मैं बताती हूँ आगे कि कैसे करनी है मार्केटिंग, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, और ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रो वीडियो है, अगर इस वीडियो के अंदर 1 घंटे के अंदर मैं मोस्टली कोशिश करूंगी कि मैं बेसिक सारे कवर कर लूँ, बट अगर आपको एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बिफोर वी थैंक यू सो मच बॉय, मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने का, ऑलवेज। ओके काश उधर देखे। अच्छा बिफोर वी मूव ऑन मैं आप लोगों से यही बात कर रही हूँ कि शो के अंदर हम 4 गिव अवेज करेंगे, 2 दानकाश के मग और 2 दानकाश की ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं, उसके अलावा जो टॉप उस गिव अवे है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो इस वीडियो का टॉप शेयरर होगा फेसबुक की लाइव वीडियो को जो मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर का उसे हम फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम जो कि हमारा यस टॉप सेलिंग प्रोग्राम है 18,000 business as a freelancer to agency bhi scale sakta hai bahut easily okay hasan ji aap kar sakte hain freelancer ke bare mein aap sawal puchho aur earning playlist hai aur other freelancing relevant videos hain wo dekho dankash.com pe jao aur scroll down karo home page pe to free freelancing ke bare mein wo download kar lo phir bhi agar aapka mazid question hoga to you can always warna live video ko zyada se zyada share karo to freelancing success program mein free mein enroll कर लो और तो 8,000 उसकी डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है आप बाय कर सकते हो। ओके पूछ रहे हैं कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में। अच्छा अफिलिएट मार्केटिंग की मजे की बात यह है, वैसे ऑनलाइन मोस्ट बिजनेसेस की मजे की बात होती है कि दे कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, तो स्कोप अफिलिएट मार्केटिंग का 44% इंक्रीज है इसके ट्रेंड में पिछले साल से इस साल में ओवरऑल ग्लोबली। पाकिस्तान को आप स्पेसिफिकली ना सोचे बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज एन अफिलिएट मार्केटर तो आप ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं आप अमेजोन की प्रोडक्ट्स 44% इंक्रीज ग्लोबल पाकिस्तान के अंदर नहीं। सो अगर आप ये वो दानकाश के मग जो हम आपको गिव अवे करेंगे यस सो कॉफी विद दानकाश ठीक है। कंपटीशन तो सकलेन आप कह रहे हो कंपटीशन तो सारी दुनिया में हर चीज में हाई होता है बट अगर आप टिप्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करें स्ट्रेटजी को तो आप जबरदस्त कर ना टाइम की इन्वेस्टमेंट है और ना इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप और कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन एंड वो सारा प्रोसेस और उसके बाद एडवर्टाइजिंग का बजट एंड वो सब करते करते बहुत मुश्किल है सारा। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद नथिंग
affiliate marketing is the best way to go. आप पूछो YouTube channel बनाने के लिए manage account. The last video था वो हमने live session YouTube के ऊपर किया था complete एक डेढ़ घंटे का था I think तो आप वो देख लो उसके अंदर सब कुछ है YouTube channel कैसे बनाना है कैसे उसको manage करना है कैसे effectively run करना है so वो आप देख सकते हो. रिजवान कोई स्पेसिफिक एजुकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड इसके लिए आप बस स्किल्ड हो थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी आती है नहीं भी मतलब ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो तो कॉन्वर्सेशनल लेवल पे आपकी इंग्लिश है देन दैट्स फाइन कोई खास स्किल या डिग्री नहीं चाहिए. अपवर्क की जो समझ नहीं आ रही तो प्लीज अपवर्क अर्निंग प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर अनम वो देखो अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक पे बात कर रहे हैं. हाँ वो देख लो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हैं आपको वहाँ पे सब कुछ नजर आ जाएगा. वालेकुम अस्सलाम शहाब. वालेकुम अस्सलाम हामिद. वालेकुम अस्सलाम शहाब हामिद. कैसे हो आप लोग? ओके अनम अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे lastmeet.com पे जाओ. अनम तुम्हें बता रही हूँ व्हाट्सएप सुन लो हैशटैग का बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो बड़ा सा बटन है दानकाश रेड कलर का उसको क्लिक करो और कम्युनिटी पे चली जाओगी. सो कोई सवाल आई विल डायरेक्टली आंसर यू तो आप वो देख लो. ओके ठीक है अब मैं आगे कर रही हूँ. ठीक है तो अब स्टेप्स क्या हैं एफिलिएट मार्केटिंग को करने के अभी तक सब लोगों को समझ आ रही है ना? सो क्लियर है? यस. ओके ऑलराइट तो तीन स्टेप हैं इसको करने के. सबसे पहली सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात इसके ऊपर मैं जितना फोकस करूं कम है. सबसे ज्यादा जरूरी अफिलिएट मार्केटर अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी नीश आपने बहुत केयरफुली सिलेक्ट की हो. समझ आई है मैंने क्या कहा? जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बास्केटबॉल शूज हैं तो आपने अपनी नीश केयरफुली सिलेक्ट करें. Things that you can do from home. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए रिजवान एफिलिएट मार्केटिंग के लिए. जीरो इन्वेस्टमेंट है. सिर्फ एक वेबसाइट आपको बनाना होगा तो आई थिंक वो इतना बड़ा मसला नहीं है. थैंक यू लव इज लाइफ. कैसी है? कोई बात नहीं जफर कभी कभी बंदा लेट हो जाता है. वेरी गुड शो से लेके शो हफ्ता हुआ है और आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए. सो कंग्रेचुलेशन टू दैट. उसी टिप्स को फॉलो करते रहो. ओके अच्छा तो नीच अपनी केयरफुली सिलेक्ट करनी है. जैसे कि ये है मग है फॉर एग्जांपल. सो जस्ट मग सिर्फ मग आपने नहीं आप देखो हॉट मग फॉर कॉफी दैट्स अ फिल्टर्ड डाउन नीच. तो अपनी नीच आपने केयरफुली सिलेक्ट करनी है. जितनी छोटी और जितनी डीप डाउन जितनी नैरो डाउन आपकी नीच होगी उतने आपके लिए सेल्स करना आसान होगा. हेलो सनी कैसे हो ठीक हो आप? ओके सो आपने अपनी नीश बहुत केयरफुली सिलेक्ट कर ली. गूगल कीवर्ड टूल को यूज करो कि kwfinder.com kwfinder.com उसको इस्तेमाल करो. उसके ऊपर आपको मिल जाता है अगर आप अपनी नीश एंटर करके देखते हो. सो अगर कोई 39 से नीचे रैंक कर रहा है और ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब है कि दैट्स अ गुड नीश एंड यू कैन कम्पीट देयर. तो वो करो. एंड जब आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं बास्केटबॉल शूज के बारे में बात करूंगा ये मैं बेचूंगा इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा. उसके बाद आप क्या करोगे कि आप फाइंड करोगे ऑफर्स उसके बारे में. ऑफर्स कहाँ से फाइंड करोगे? अगर आप बिगिनर हो तो बेस्ट है कि आप अमेजोन पे जाओ और वहां से निकाल लो. वरना आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स ये इस्तेमाल कर सकते हो बट बिगिनर्स के लिए अमेजोन एसोसिएट बेस्ट है. उसके लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी डिटेल्स फिल इन करने पड़ेंगे. उसमें आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा. इट कैन बी अ बेसिक लैंडिंग पेज वेबसाइट बट जहाँ पे आप ब्लॉग कर रहे होगे आप यूट्यूब चैनल से भी बना सकते हो. सो अगर आपका यूट्यूब चैनल है आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दोगे वहाँ पे. सो आप अपना अकाउंट कम्प्लीट करोगे. फूड किचन यस अपवर्क के लिए बिडिंग के लिए तो लैपटॉप होना जरूरी नहीं है लेकिन आप अगर कोई कॉन्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे फोन के ऊपर बस यही सबसे है कि इंसान इंसान के काम आ सके. हम आपके काम आते हैं यही हमारे लिए. पूजा प्लीज ईमेल करो help@dankash पे. मैं पहले भी तुम्हें कहती हूँ ईमेल करो ताकि हम उसको देख सके. क्या प्रॉब्लम है पूजा का? अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों का फैशनिस्टा और जी अमेजोन पे आपको पेपॉल नहीं जरूरत है वो आपको सेलर होने के लिए जरूरत है. सो जरूरत नहीं है पेपॉल की. एंड आपका प्रवीण का स्ट्रेटजी क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए? कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करना है लीड से कस्टमर में? ट्रैफिक कैसे लानी है? ये सब बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में एनरोल कर सकती हो विच इज स्टेप बाय स्टेप गाइड सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग.
अच्छा ये कोई बंदा कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. कोई बंदा कह रहे हैं शायान आप इनको देख लें, कह रहे हैं मैं टी शर्ट मेकर हूँ, मुझे कॉन्टेक्ट करे प्रमोशन के लिए, आप देख लें उनका क्या. हमें टी शर्ट मेकर चाहिए हैं. सो आपने अपनी शायान प्लीज कीप रिप्लाइंग फेस. शायान आपको टी शर्ट मेकर चाहिए, मुझे तो चाहिए. हाँ सो बस ढूंढी अमेजोन पे या दूसरे जहाँ पे भी आप रेलिवेंट, मतलब अमेजोन पे जाके सर्च किया बास्केटबॉल शूज या ब्यूटी प्रोडक्ट या यू नो स्किन वाइटनिंग फेशियल, जो भी आपने बेचना है, अली एक्सप्रेस पे देख लिया, दराज पे देख लिया, जिसके साथ भी आप अफिलियट बना रहे हो अपना काम. एक के साथ कभी भी ना चले, मल्टीपल के साथ चले, अमेजोन पे भी बनाए, दराज भी बना ले, अली एक्सप्रेस पे भी बना ले, विजू पे भी बना, सीजे पे बना ले. सो मल्टीपल अफिलियट नेटवर्क्स के ऊपर साइन अप करके अपना अकाउंट बना ले ताकि आप मल्टीपल के साथ चल सकते हो. फिर आपको क्या करना है या आपने करना क्या, सिंपली आपने प्रोडक्ट का रिव्यू करना है. किसी ऐसी प्रोडक्ट को चूज करें जिस जो आपको पसंद है. जैसे मुझे अगर कॉफी पसंद है, मैं कॉफी का रिव्यू कर रही हूँ, मैं असल में जानती हूँ कि ग्लोरिया जींस की कॉफी अच्छी है या बुरी है, सेकंड कप की अच्छी है या बुरी है, इसके अंदर क्या क्या प्लसेस हैं, क्या क्या माइनसेस हैं. सो अपनी प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए. अगर आप फैशन की प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आपको बेहतरीन तरह से पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं, या प्रेफरेबली ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने खुद इस्तेमाल करके देखी हुई है. सही है, फिर आपने उस प्रोडक्ट का रिव्यू करना है. रिव्यू करने के लिए एक नंबर वन, आप जैसे वो अभी कह रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, सो नंबर वन आप ब्लॉग अपना बनाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर और ब्लॉग के ऊपर रिव्यूज पोस्ट करो. उस ब्लॉग के ऑब्वियसली आप जो टाइटल होगा उसका नाम भी आपका होना चाहिए, यानी अगर आपका कीवर्ड है फॉर एग्जांपल बेस्ट वाइटनिंग फेशियल, टाइटल में हर्बल वाइटनिंग फेशियल आना चाहिए, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में हर्बल वाइटनिंग फेशियल आना चाहिए, आपके टैग्स में हर्बल फेशियल आना चाहिए, आपकी H2 में आना चाहिए, आपकी पूरी बार बार अगर आपको इमेजेस अपलोड कर रहे हो तो उसके ऑल टैग में हर्बल वाइटनिंग फेशियल आना चाहिए, और जो आपने अपना अफिलिएट का लिंक लिया हुआ है वो आप स्टार्ट ऑफ द ब्लॉग एंड एंड ऑफ द ब्लॉग एंड एक सेंटर ऑफ द ब्लॉग, तीन जगहों पे अपना अफिलिएट का लिंक दे दोगे जो जिसके थ्रू आपको सेल मिलनी है. सो आप करोगे क्या कि आप एक अच्छा सा ब्लॉग क्राफ्ट करोगे कि उस ब्लॉग के अंदर, या एक वीडियो बनाओगे आसान लगता है, या फिर एक लाइव स्ट्रीम कर लो जैसे अभी हम कर रहे हैं. रिव्यू वेबसाइट सबसे बेस्ट. हाँ, तो ब्लॉग करो, यूट्यूब चैनल दोनों बेस्ट हैं, इजी हैं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत शायद करनी पड़े आपको. वेबसाइट भी वैसे आप इजीली डाउनलोड करके कोई वर्डप्रेस का थीम बना सकते हो, सो नॉट अ प्रॉब्लम. थर्ड पार्टीज भी मिल जाती हैं. अच्छा फिर आपने थर्ड स्टेप में करना है कि जब आपने बना लिया अपना, फिर आपने ईमेल्स कलेक्ट करनी है. ठीक है, ईमेल्स कलेक्ट करनी है, यानी ईमेल आपका सबसे बड़ा एसेट है. जितना आपके पास, अगर आपके पास एज एन एफिलिएट मार्केटर 500 लोगों का भी रेलेवेंट जो इंटरेस्ट इन कॉफी में या इंटरेस्टिंग है वाइटिंग फेशियल में, 500 लोगों का भी ईमेल का डाटा है तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है मैं कहती हूँ. ओके, एंड देन उसके बाद फाइनली अगर आप मेक कर रहे हो इनफ तो फिर आप पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाओगे, पीपीसी की तरफ. ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस भी करते हैं कि हमने इसको करना कैसे. ठीक है जी, मैं क्वेश्चन पूछने लगी हूँ. पूजा भी रेडी है, सब लोग रेडी है. उमर ने ज्वाइन किया. उमर कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा आपका डेवलपमेंट का काम चल रहा है? ठीक चल रहा है या कोई तंगी है आपको? ओके जी, क्वेश्चन है, गौर से सुन लें कि अफिलिएट मार्केटिंग कब शुरू हुई थी, अफिलिएट मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई थी, ये है क्वेश्चन. अफिलिएट मार्केटिंग कब शुरू हुई थी, फॉर दिस मार्क किस साल में हुई थी, अफिलिएट मार्केटिंग का संगे बुनियाद किस साल में रखा गया है. ओके परवीन, यू हैव गॉट इट राइट. सो जीशान आप एक सेकंड लेट हो गए हो. परवीन इज द विनर. परवीन आप जीत गए हैं, आपको ये बग मिल गया है. और आप प्लीज प्लीज परवीन भूलना मत, याद से फेसबुक के ऊपर दानकाश के पेज के ऊपर अपना नाम और अपना एड्रेस और फोन नंबर हमें फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दें ताकि आपको आपका मग मिल जाए. ठीक है प्रवीण, प्लीज शी वॉन द कमेंट्स. प्रवीण आप में तो हमें जरूर याद रखिएगा. मुझे याद रखिएगा, इसमें दान में हूँ और काश काशिफ है. रिमेम्बर अस. ठीक है, अच्छा वैसे लगता है दानकाश लिखा हुआ या अंग्रेजी में, इंग्लिश में, उर्दू में. वैसे एक आइडिया हमारे पास ये भी है कि एक साइड पे उर्दू में और एक साइड पे इंग्लिश में. नो 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 नो, इट्स नॉट 1989, फैशनिस्टा इज 1996. 1989 तो बहुत ही पुरानी बात हो गई. ये देखें, ठीक है, दानकाश, फेसबुक पे रिप्लाई करूंगा. दानकाश
आपको इंग्लिश में ऐसा लग रहा है या उर्दू में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि इसका डिसीजन हम ले सकें। हम चाहते हैं कि आप इसका डिसीजन लें, क्या आपको इंग्लिश में दानकाश अच्छा लग रहा है या उर्दू में अच्छा लग रहा है। ओके फैशनिस्टा को इंग्लिश में अच्छा कमेंट कर दें, जो कमेंट ज्यादा आएंगे नेक्स्ट टाइम आप काक्स को। ज्यादा लोग कह रहे हैं इंग्लिश में। ओके ऑलराइट, सो हम दानकाश प्रोनाउंस करवाना चाहते हैं बिकॉज़ आई एम ऑब्वियसली नो डैन, तो ऑलराइट ठीक है जी। अब मैं शो को आगे प्रोसीड कर रही हूँ कि आप अफिलिएट मार्केटिंग फॉर एग्जांपल आप स्टार्टर आप कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आपको कोई आइडिया नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस आपने एक नीश उठानी है और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आपको वाकई इंटरेस्ट है और ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल कर चुके हो या करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हो तो ऐसे ऐसा मस्कारा को आप प्रमोट करो जो आपको असल में पता है कि ये अच्छा मस्कारा है, सही है। या अगर आप फुटबॉल के बारे में इंटरेस्टेड हो तो फिर ऐसी फुटबॉल किट को के बारे में रिव्यू करो जिसके बारे में आपने इस्तेमाल किया हुआ है। सो जो भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू करें मेक श्योर कि आप उसको जानते हैं। बेशक बुक्स हो सकती हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको शौक है एंड जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने एफिलिएट साइट में से उसको निकाला, जेवीज़ू है, अमेज़ॉन है, शेयर सेल है, उसमें से निकाल लिया आपने, और रिव्यू बनाते हुए जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मस्कारा है, किसी मैबलिन लॉरियल का नहीं है, किसी न्यूअर कंपनी का है, और आप सिर्फ अफिलिएट कमीशन लेने के लिए आपने वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ मस्कारा, असल में वो गंदी क्वालिटी का, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, आप साइट पे गए, आपने उसको देखा, आपने उसके रिव्यूज भी नहीं पढ़े, बाकी लोगों का उसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपने बस वैसे ही कह दिया, लेट्स से कि कंपनी का नाम है एबीसी, एबीसी कंपनी का मस्कारा है, आपने कहा दिस एबीसी मस्कारा इज वेरी गुड, दिस एबीसी मस्कारा गिव यू लॉन्ग लैशेस, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसकी तारीफें लिख दी, तारीफें लिख दी। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप एग्जिस्टिंग रिव्यूज जरूर पढ़ सकते हैं, अमेजोन होते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने बिला वजह उसकी तारीफें लिख दी, अब किसी बंदे ने आपका ब्लॉग पढ़ा या आपकी वीडियो देखी, ठीक है, बंदा आया, मैं आई फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ओ प्रवीण कह रही है ये तो बहुत अच्छा मस्कारा है, मैं यही खरीद लेती हूँ, मैंने प्रवीण पे ट्रस्ट किया, ठीक है ना, मैंने उस मस्कारे की कंपनी पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने किस पे ट्रस्ट किया, प्रवीण पे, प्रवीण ने कहा ये अच्छा मस्कारा है तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, जब वो मस्कारा मेरे तक पहुंचा मैंने उसको इस्तेमाल किया, वो बकवास मस्कारा था, अब मेरा ट्रस्ट किस पे से उठेगा, एबीसी पे से या प्रवीण पे से, प्रवीण पे से, यस दोनों से ही उठेगा, बट प्रवीण पे से ज्यादा मेरा दिल दुखेगा कि यार इसकी वीडियो देख के तो मैंने मंगवाया था, इसने तो मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ, अब अगर आपने एफिलिएट मार्केटर बनना है एवरीथिंग इज अबाउट रेप्यूटेशन, आपकी रेप्यूटेशन आपके लिए सारा कुछ है, तो मेक श्योर के हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, या प्रोडक्ट्स जिनको आप जानते हैं इस्तेमाल कर चुके, इस्तेमाल नहीं कर चुके तो उनके एग्जिस्टिंग व्यूज पढ़ लें। हम लोग पर्सनली अगर लाइक अफिलिएट मार्केटिंग ना भी कर रहे हो, किसी को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, कोई टूल सजेस्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो हम तब तक उसको सजेस्ट नहीं करते जब तक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो उस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि हमारा वर्ड ऑन स्टेक होता है, हमारी बात ऑन स्टेक होती है कि अगर ये टूल कोई और बंदा यूज करेगा और ये उसके काम ना आया या उसके उसको उसको हेल्प ना कर पाया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, तो पेगासस आप पूछ रहे हो कहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करते हैं, आप अपनी ईमेल लिस्ट पे प्रमोट कर सकते हैं, जहां जहां आप लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सएप में दे दें, जहां भी लिंक दे सकते हैं आप दे दें, नो इश्यूज, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई प्लस भी है और कोई माइनस भी है तो आपने दोनों बताने हैं कि ये मस्कारा वैसे तो अच्छा है, इसके चार घंटे, और उसका प्रॉब्लम भी बताया, फिर जब प्रॉब्लम बताया तो साथ में उसका सोल्यूशन भी बताया कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, अब आपने इसको अगर ऐसे करना है तो फिर आप कोशिश करेंगे आप पानी ना इस्तेमाल करें या जो भी आप सोल्यूशन देंगे ऑब्वियसली। तो प्रोडक्ट को जेन्युइन एंड हेल्पफुल रिव्यू का जरूरी बात है, क्योंकि आपकी रेप्यूट आपका सारा कुछ है ऑनलाइन वर्ल्ड में, कोई आपको नहीं जानता, आप दुनिया के किसी जंगल बैठे हुए, लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन है तो आप बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन नहीं है आप बहुत बड़ी कंपनी भी खोल के बैठ जाएं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर ले, अगर आपकी रेप्यूटेशन नहीं है तो यू आर जीरो। और आज अगर आप अभी करंटली लेट्स से अगर आप $50 की प्रोडक्ट को या 5,000 10,000 की या 2,000 की प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं और लोग आपकी प्रोडक्ट आपके कहने पे बाय कर लेते हैं और उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो बाद में आप उनको 10,000 15,000 60,000 की प्रोडक्ट भी अगर मार्केट कर रहे होंगे तो दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू।
एंड इस तरह से आपके कमीशन जो है ना वो भी बढ़ेंगे। अच्छा जीशान, आप पूछो कि स्टार्ट में क्या करें, लो प्राइस की प्रोडक्ट्स हो या हाई प्राइस की, आई वुड से कि आप दोनों करें। मतलब हाई प्राइस वाली में होता है कि आपको बेहतर कमीशन का एज मिल सकता है, क्योंकि अगर वो 1000 रुपये की है तो उसमें आपको 200 कमीशन भी मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही 100 रुपये की है तो आपको उसमें क्या कमीशन मिलेगा। सो आप दोनों करें, हाई प्राइस भी और लो प्राइस भी, फिजिकल भी और डिजिटल भी, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स, अप टू आई वुड से अप टू 10 प्रोडक्ट्स इनिशियली आप सेलेक्ट करें, वन बाय वन उनको करें। एक प्रोडक्ट के ऊपर 30 ब्लॉग्स आप अगर लिख लें या 30 वीडियोस बना लें तो ये मोर देन इनफ है। एक नीश के ऊपर बढ़ के 30 ब्लॉग्स या 30 वीडियोस मोर देन इनफ है। अगर डिफरेंट नीशेज हैं तो फिर आप उसके अंदर डिफरेंट करते जाएंगे, ठीक है। और ईमेल्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि ईमेल कलेक्ट करें तो अच्छा, ओके, ठीक है, ओके गुजार, हम देखते हैं इसको। कह रहे फेसबुक पे स्टक हो रही है, सही चल रही है वो, आपके इंटरनेट का भी इश्यूज होता है उस टाइम, कैन यू सी, आपके पास चल रहा है ठीक से, ओके ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ईमेल्स कलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ईमेल्स कलेक्ट करने के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं दुनिया में। हेलो बार है, लीड मैग्नेट है, एग्जिट गेट है, साइड बार विजिट्स होते हैं। हेलो बार आप अपनी साइट में लगा सकते हो, या प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी ईमेल कलेक्ट करने के लिए। मैं तीन आपको बता रही हूँ, चार, हेलो बार, एग्जिट गेट, साइड विजिट और लीड मैग्नेट, ये सारे हैं जिनसे आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। अब ईमेल कलेक्ट करने के लिए आपको यूजर को पहले कुछ देना पड़ता है जिसकी वजह से वो आपको ईमेल देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ईबुक बना दिया आपने, अच्छी सी आपने ईबुक, कह रहे हो मैं फ्री में दे रहा हूँ उस बंदे को, फ्री गेट फ्री ईबुक, गेट फ्री ईबुक का आपने पॉपअप लगा दिया। जब बंदा उस पर क्लिक करता है तो आपसे ईमेल मांगते हो कि आई एम रियली एक्साइटेड कि तुम्हें मेरी ईबुक चाहिए और तुम इससे हेल्प लेना चाहते हो, तो वुड यू बी प्लीज काइंड इनफ कि तुम मुझे अपना ईमेल दे दो कि मैं तुम्हें ईबुक भेज सकूं। सो ईबुक हो सकता है, कोई डाउनलोडेबल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई डिस्काउंट हो सकता है 20%, कोई बोनस ऑफर हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, बट लोगों की ईमेल कलेक्ट करने के लिए। Always remember, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आपकी ईमेल एसेट है। जैसे कि हम फिजिकल दुनिया में हम सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बहुत बड़ा एसेट है, मेरे पास अगर 10 कनाल जमीन हो ये बड़ा एसेट है, तो इसी तरह अगर आपके पास 10,000 ईमेल्स हो तो आपके पास बहुत बड़ा एसेट है। और आज के दौर के अंदर जो ईमेल लिस्ट नहीं बिल्ड कर रहा है वो आज से 5 साल बाद सबसे सुपर रिग्रेट में होगा, इससे बड़ा रिग्रेट नहीं होगा। ओके, थैंक यू उस्मान फॉर टेलिंग के फेसबुक पे भी ठीक चल रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ओके ऑलराइट, परफेक्ट। ईमेल जो है वो आपने किस तरह करनी है कि वंस अ वीक आप ईमेल करें, वंस अ वीक से ज़्यादा ना करें, और एक ईमेल लिस्ट बना लें अपनी रेलिवेंट ऑडियंस की। प्लीज़ मेक श्योर कि हर बंदे को नहीं ऐड करना, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो आपको उस लीड मैग्नेट के थ्रू आ रहे हैं या जो रेलिवेंट है, फिर आप में बाद में उसे मेल चिम से ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको जो है ना, जो भी रिकरिंग मॉडल्स दुनिया में चल रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली हर मंथ एनुअली या मंथली आपसे पेमेंट काटते हैं, उसके लिए आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड जो है ना यूज़ करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड्स जो हैं वो फर्दर यूज़ नहीं हो पा रहे क्योंकि बैंक्स ने उनको मना कर दिया है, और आपको क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि लाइट कार्ड को ट्राई कर लें, या प्योर क्रेडिट कार्ड जो है ना उसको लिंक करें पेमेंट्स के लिए फेसबुक और यूट्यूब की। ओके, ठीक है, अब मैं पूछने लगी हूँ दूसरा सवाल, क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन टी-शर्ट के लिए है, ये टी-शर्ट के लिए है। हाँ, एक मग, एक टी-शर्ट, टी-शर्ट दिखा दो यार, टी-शर्ट देखी हुई तो है इन लोगों ने, नहीं कुछ लोगों ने नहीं देखी हुई ना टी-शर्ट। हाँ जी, एमसीबी का लाइट कार्ड ले लें, वैसे क्रेडिट कार्ड का लाइट कार्ड देख लें, ले लें, लेकिन मैं स्टिल लाइक आई डोंट वांट टू से कि मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए वो काम कर रहा होगा, कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। मेरे लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स पे वो काम करता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे वो काम नहीं करता है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप प्योर क्रेडिट कार्ड लें। क्रेडिट कार्ड जो है ना वो 100% वो करते हैं, और क्रेडिट कार्ड जो है ना मास्टर कार्ड लें, वीजा कार्ड ना लीजिएगा। ओके, सो जी ये टी शर्ट इज हियर, और टी शर्ट के लिए हम क्वेश्चन पूछने लगे हैं। टी शर्ट के लिए मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगी हैं। टी शर्ट कुछ इस तरह की लगती दिखती है, और पीछे से ये ऐसी लगती है, ये आपको पता लगता है कि क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है लिखा क्या हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? वालेकुम अस्सलाम टेक्निकल स्टूडेंट, कैसे हैं आप? जी ना, पेनियर कार्ड यूज कर सकते हैं, वो कह रही हैं मार्केटिंग में। जी बिल्कुल, पेनियर कार्ड यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल कार्ड है, आप जो है पेनियर को पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है आपको, पहले आपको यहाँ से फंड्स वहाँ लोड करने पड़ते हैं,
एंड फिर उसके बाद आप डॉलर्स पे पेमेंट करते हैं, थोड़ा सा जी जीशान आप बिल्कुल कह रहे हैं ठीक, एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड लिखा हुआ है, आप सही कह रहे हैं, कामयाबी के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर वैसे भी दुनिया में, तो हम आपको बताने को तैयार जी मेरे okay, से जी. मैम से आपको कोई भी क्वेश्चन सवाल है आपके लिए. हाँ जी जैनी बिल्कुल ठीक कह रही है. सवाल के अफिलिएट मार्केटिंग किसने शुरू की थी, अफिलिएट मार्केटिंग किसने शुरू की थी, श्यान किस कंपनी ने, किस नेटवर्क ने, उस्मान, उस्मान ने नहीं की, इश्तियाक साहब अफिलिएट मार्केटिंग नई प्रोडक्ट ने नहीं की थी, विलियम जे टॉबिन कंपनी का नाम बताना है. उस्मान सईद ने सही बता दिया है, उस्मान सईद ने भी बता दिया है. उस्मान यू आर द विनर ऑफ दिस टी-शर्ट. देखिए उस्मान को मैं टी-शर्ट की जगह भेजूंगा कब, क्योंकि उस्मान ने टी-शर्ट तो ऑलरेडी जीत ली. उस्मान लास्ट टाइम का विनर है. ये उस्मान सईद है, ये उस्मान सईद ही फाइबर टेक्निकल है, करेक्ट. नील पटेल कहाँ से आ गए, इमरान, इमरान कौन सा इमरान है, ये इमरान जट, इमरान बस कर दो बेटा. अच्छा चलो उस्मान है जी विनर. यूट्यूब वाले भी लोग, टू टी-शर्ट्स नहीं, मैं आपको एक ही टी-शर्ट भेजूंगा, एक आपको एक आप भेजूंगा उस्मान. ठीक है आपको इस दफा कप दे देंगे उस्मान. सो सेकंड विनर है जी उस्मान सईद. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक की लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम जो कि हमारा टॉप सेलिंग प्रोग्राम है उसमें आप इनरोल कर सकें. उसमें आपको पता चल रहा है कि जीरो, बिल्कुल नथिंग, बिल्कुल आपको रोटी पानी के पैसे भी ना हो, वहां से आपने एक प्रॉपर सस्टेनेबल कैरियर कैसे बनाना है वो आप एग्जैक्टली सीखेंगे. और इसमें क्या हंसने की बात है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ. मौलाना फजलुर रहमान ने शुरू की थी. चले सही है, आप भी ठीक, आप जीत गए. मुझे भी चाहिए टी शर्ट, स्नैन कह रहे हैं, स्नैन आपको मिल चुकी है. ओके अच्छा जी, जो बहुत मजे की बात है ये वाली बताने लगी हूँ आप लोगों को के अफवाह पे कनेक्ट खत्म हो गए हैं, तो उनको मजीद बाय करें ना कि यार फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम नहीं चाहिए आप लोगों को, शेयर करें वीडियो को. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइव वेबिनार्स करें, जैसे मैं भी आपके सामने लाइव बैठी हूँ, इस तरह आप लाइव बैठे और पकड़ लें जी कि ये पेन है, इसका मैं आज रिव्यू करूंगी, ये पिकासो का पेन है, आज हम इसके बारे में बात करने लगे हैं. वेबिनार आपने कैसे करना है फ्री में, मैं अभी आपको बताती हूँ. सो लाइव वेबिनार अरेंज करना है, उसके आपको खुद से आता है बनाना तो आप खुद से बना लो, लीड पेजेस से वैसे आप बना सकते हो. सो एक लैंडिंग पेज आपने बनाया, उसके अंदर आपने वीडियो लगाई छोटी सी टॉप पे बैनर पे, साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि दिस में, और जो जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं वो इस वेबिनार को अटेंड करें. इस वेबिनार में हम ये बातें डिस्कस करेंगे. हमजा गाना कह रहे हैं कि मेरा आंसर ठीक था. जी हमजा आपका आंसर ठीक था, लेकिन उस्मान ने आपसे पहले जवाब दे दिया था, इसलिए उस्मान को मिल जाएगा. सो अगर यस यस योर आंसर इज राइट, बट उस्मान ने पहले जवाब दे दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप दे देना तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. अच्छा अब मैं बता रही थी आपको कि एक वीक एडवांस में आपने अपना वेबिनार को प्रमोट करना शुरू कर देना है. जैसे अगर अगले जुम्मे को आपका वेबिनार है तो आपने इसी जुम्मे से उसकी प्रमोशन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे शुरू कर देनी है कि मैं ये वेबिनार करने वाला हूँ. वेबिनार आप इजी वे है, वैसे तो बहुत सारे वेबिनार के टूल्स हैं लेकिन वो पेड होते हैं यूजली. आप गूगल हैंग आउट से फ्री में वेबिनार कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए. सो अपने वेबिनार को प्रमोट करें, अपने लैंडिंग पेज को प्रमोट करें, लोगों के साथ शेयर करें और वेबिनार के अंदर बैठ जाएं, अपना प्रोडक्ट पास लेके कि ये जी ये पेन है, इसके ये फीचर्स हैं, इससे मैं लिख सकती हूँ, ये ब्लू स्याही में भी लिखता है, ये काली स्याही में भी लिखता है, ये इतनी देर तक लिख सकता है, ये बहुत सॉफ्ट है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इससे कभी बीच में ग्लिच नहीं आता लिखते हुए, कभी कोई इशू नहीं होता. सो जो भी उसके पेन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों बताने हैं, यूजेस भी बताने हैं और अपनी पर्सनल हिस्ट्री भी बतानी है कि मैंने खरीदा तो मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा 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 मेरे साथ हुआ, इससे पहले मैं बिल्कुल काली सी थी लेकिन जब मैंने ये वाइटनिंग फेशियल इस्तेमाल किया तो मैं बहुत गोरी गोरी हो गई. सो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रिलेट करना है और कोशिश करनी है कि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प उस प्रोडक्ट के बारे में, जितना आप ऑडियंस को हेल्प करोगे उतना आप उनका ट्रस्ट विन कर पाओगे, उतना वो आपको ऑथेंटिक समझे और आपके लिंक पे क्लिक करेंगे. लाइव वेबिनार के स्टार्ट एंड में प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं गूगल हैंगआउट के ऊपर.
क्यों नहीं है? हसनैन को मिली थी ना टी शर्ट, हसनैन तुमने हसनैन को टी शर्ट नहीं संगी थी? तुम मिली थी, तुमने अपनी तस्वीर भी लगाई थी टी शर्ट के साथ। यस वेबिनार इज अ गुड आइडिया। अच्छा उस्मान कह रहे हैं आप हमजा को कोई बात नहीं, हमजा जीत लेगा, हमजा बहुत तेज है। हाँ वेबिनार बहुत अच्छा आइडिया है ऑलरेडी, क्योंकि आपको एक ऑडियंस इकट्ठी कर सकते हो, सही है ना? अब हमजा आप तैयार हो, मैं दोबारा अगला पूछने लगी हूँ गिव अवे के लिए। तो फ्री में मार्केटिंग कैसे, टेक्निकल स्टूडेंट फ्री में मार्केटिंग कैसे करें? फ्री में आप ऐसे मार्केटिंग करें, लाइव वीडियो करें, लाइव वीडियो करें, यूट्यूब का इस्तेमाल करें, फेसबुक का इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें, सबके सब फ्री है, उनके ऊपर अपना कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते रहे, फ्री मार्केटिंग है। फ्री मार्केट चार्ज, अगर फेसबुक ने सब्सक्रिप्शन फी रख दी ना हर बंदे की $10 मंथली, या इंस्टाग्राम ने रख दी, उस वक्त आप लोग कहेंगे कि क्या मतलब ये, अब हम कैसे करें, अभी ये फ्री है, अभी इसका फायदा उठाएं। कल को वैसे भी अगर लाइक उन्होंने ना भी फी रखी और फॉर एग्जांपल नॉइज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोग जोन से हैं, नॉइज तो ऑलरेडी अभी भी बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़ी कंपनीज भी सोशल मीडिया पे आ गई। अभी एक जो बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि अभी बड़े ब्रांड्स जो उनसे हैं, वो उनका मेजर बजट जो उनसे है वो टीवी चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, रेडियो पे, इस जगह पे जो है ना है। इसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनसे हैं वो जब रिन्यू होने हैं तो बजट जो उनसे ज़्यादा एलोकेट होने हैं वो डिजिटल मीडिया पे हो जाने हैं। उस टाइम पे ये डिजिटल मीडिया वैसे ही बहुत नॉइजी हो जाएगा विद ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ये सारे फ्री चैनल्स को यूज करें, फेसबुक को, लिंक्डइन को, ट्विटर को, पिंटरेस्ट को, बिहांस को, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे जवाब दिया तो बता देना, वरना फिर इनमें से जो बता। या प्रवीण आपको इंडिया जो है शायद हम कप ना भेज सकें, बट हम आपको टी शर्ट भेज सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि कप के लिए मुझे वहाँ पे वेंडर को अभी ढूंढना है कि कौन सा वेंडर जो है वो कप भी वहाँ सप्लाई करता है, बट वी कैन फिगर समथिंग आउट, बट इट कॉस्ट सो मच एंड लाइक वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 10,000 का कप पड़ जाएगा इंडिया में, इसलिए हम आपको उधर से भेज देंगे इंडिया से, ठीक है? आपको टी शर्ट दे देते हैं तब तक हम। अच्छा ठीक है, अब टूर प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि मेरा गूगल बाय बिजनेस पे अकाउंट है पर मेरी लोकेशन नहीं शो हो रही गूगल मैप पे, तो आप उधर जाके क्लेम दिस बिजनेस, अपने बिजनेस का नाम लिखें एंड क्लेम दिस बिजनेस करें और फिर उसकी लोकेशन ऐड करें, वेरिफिकेशन पिन आपको मिलेगी वो डालें आप। सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंटेंट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करें उस्मान, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करें, कंसिस्टेंसी दो चीजें, अगर हर जुम्मे को करना है हर जुम्मे को करें, हर जुमेरात को, बुध और जुमेरात को करते हैं तो बुध और जुमेरात को करें, बट एक अगर चार बजे करते हैं, डेट और टाइम जो है फिक्स रखें, अगर 4 बजे जुमे को आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि हर जुमे को सेम टाइम के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करें। जीशान कोई बात नहीं, अभी अगले सवाल का जवाब देते ना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, जीशान क्या कह रहा है? परवीन आपको जीशान ने फिर यही कहा है। हाँ जीशान कह रहे इसके बाद मैंने दिया था मुझे दे दे। अच्छा परवीन कह रहे मुझे टी शर्ट ही दे दें, ओके टी शर्ट दे देते हैं। और पूजा का भी सेम सवाल है दोबारा, सो व्हाई डोंट वी फाइंड अ शिप इंडिया में, कोई बंदा प्रिंटर ढूंढ लेते हैं। हाँ अभी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समबडी इन इंडिया एंड होपफुली जो है इंडिया के अंदर हम ढूंढ लेंगे, फिर आपके घर तक सारे के सारे कप्स और टी शर्ट हम भेज देंगे। फाइंड समबडी जो मतलब इंडिया में बनाता ही हो, प्रिंट आउट इंडिया में करे, इंडिया से भेज दे, ऐसे ही हो रहा है। पहले जो है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर उस्मान, दोनों चीजें मैटर करती है, क्वालिटी भी और अपलोडिंग भी, क्वालिटी कंटेंट की मैटर करती है। जो सबसे ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेगा उसको हम अपना टॉप सेलिंग जो प्रोग्राम है हमारा फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम उसके अंदर एनरोल करेंगे और okay. वो फिर स्केल कर सकता है, फ्रीलांसर्स को एजेंसी बना सकता है और बहुत सारी टेक्निक्स ठीक है जी, सकता है, सेल्स आपकी इंप्रूव हो सकती हैं, कैसे कस्टमर्स लेने हैं, उनको लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है, उनको फर्दर आपने सर्विसेज कैसे देनी है, पार्टनरशिप से उनको कस्टमर से पार्टनरशिप तक कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं। ठीक है, अब मैं पूछने लगी हूँ,
मग के लिए, दानकाश के मग के लिए क्वेश्चन है और हम सब आप रेडी हो, बाकी लोग भी रेडी हैं, क्वेश्चन में पूछने लगे हूँ, ये आप मुझे बताएं जल्दी से जो CTR क्या होता है, CTR stands for what, क्या होता है कैपिटल CTR, हमजा जल्दी से आंसर कर दो, पूजा को भी चाहिए था, आप जल्दी से आंसर कर दो, प्रवीण प्रवीण को मिल गई है, प्रवीण ने 1996 बताया था कब स्टार्ट हुआ था, कितने शेयर की जरूरत है, की जरूरत जितने मर्जी करें, जो जितने जो सबसे ज्यादा करेगा, इतने शेयर्स की लिमिट कोई नहीं है, क्लिक थ्रू रेट हमजा, क्लिक थ्रू रेट हम, मुझे बहुत हो रही है क्योंकि मुझे उदासी हो रही थी जब आपने कहा था कि मुझे क्यों नहीं मिला, सो आई एम रियली हैप्पी अपना। हीना जलील भी सही बता रही है, लेकिन आप लेट हो गई हैं, थोड़ी सी हमजा जीत गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दे देना, भी ठीक बताया है, और लेकिन थोड़ी आप अपनी डिटेल्स हमजा हमें भेज दें फेसबुक पेज के ऊपर, अपना नाम एड्रेस और फोन नंबर, ताकि आपको हम दानकाश का मग भेज दें, जब भी आप इसमें चाय पियेंगे आप हमारी कामयाबी के लिए जरूर दुआ करें। और ये जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसको गूगल भी करते हैं, तो इसका एक मकसद ये भी होता है कि आप गूगल पे जाएं और जाके रिसर्च करें और यू लर्न समथिंग न्यू। क्लिक थ्रू रेट बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको पढ़ें भी कि क्या होता है। हाँ जी, क्लिक थ्रू रेट बहुत जरूरी है जानना, गूगल क्या है इसने तो क्या हो गया तू आप भी गूगल कर लेते, ये सारे गूगल कर रहे हैं, हम भी गूगल ही करते हैं, सारी दुनिया गूगल करते हैं, सारी दुनिया गूगल गूगल लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं, अब लेट हो गया, वो जो भी है। फैशनिस्ता नहीं ना, फेसबुक पे उन्होंने पहले बताया ना, हम फेसबुक के ऊपर भी देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी मल्टीपल स्क्रीन्स है, तो जैनी पहले हमजा ने बताया वो फेसबुक पे था। आप हमजा मुझे दिली खुशी हुई आपके जीतने की, जैनी आप भी जीते हैं, मुझे तभी जैनी खुशी जीती रहती है अक्सर, जैनी तो पता नहीं, पूजा पूजा जैनी भी जीती रहती है, जैनी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हो, आप करना शुरू करो, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे पर्सनली आपसे जितना इंटरेक्शन है, जैनी अभी कर क्या रही है वैसे, जैनी आप फ्रीलांसर, अच्छा सही है, फिट है। अच्छी लास्ट बात है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोडक्ट अपनी नीश सेलेक्ट करनी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं पीपीसी यानी के पेड एडवर्टाइजिंग। हसन जवाब आप ना हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है ना दानकाश, सर्च दानकाश ऑन यूट्यूब एंड आपको वहाँ पे बहुत सारी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, और उससे जो आपकी ये डिस्टर्बेंस है ना ये खत्म हो जाएगी और आपका कैरियर अच्छा जाएगा, और लोगों से बढ़ के हट के मतलब अच्छी बात है कि आप लोगों डिजाइन करते हैं, लेकिन लोगों के अलावा जैनी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी तरह टिप्स एंड वीडियोस को फॉलो करते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपना करियर एक्सपेंड करें। जैनी कौन से प्लेटफॉर्म्स पे करता है? अपको पे। हाँ, ये मुझसे पूछते रहती थी ना, जैनी वो अपको के अलावा भी बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने अपना अकाउंट बनाओ और मेक श्योर करो कि आपको ये आपका ये थ्रेट खत्म हो गया आप, कि आप एक ही मोहसिन अपवर्ड की जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके बारे में हमने स्पेशलाइज प्रोफाइल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप वो लाजमी देखो और YouTube पे अवेलेबल होगी, वो वीडियो देखो, उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, और साथ साथ फाइवर करें, पीपल पर और करें, फ्रीलांसर करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगो डिजाइनर के लिए आप स्पेशलाइज प्रोफाइल वहां बनाओ, उसके अलावा भी जैनी एक टेस्टिमोनियल भेज दो बना के, एक 1 मिनट की वीडियो कि मैंने 3 लाख कमा लिए हैं और इस तरह ने मेरी हेल्प की थी। हां छुप के बना देना कैमरे पे ना करके, ठीक है। हाँ आई वुड से कि तुम अफिलिएट मार्केटिंग करो, क्योंकि तुम्हारे समय जितना भी इंटरेक्शन है आई फील कि तुम कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो या ब्लॉग कर सकते हैं, बट जैनी नहीं ना, दिस इज मैट स्नैन गुलजार हो ना आप, वो उन्होंने यूट्यूब पे फेसबुक पहले बताया, आपने बाद में बताया। चलो जी, अच्छा लास्ट बात है ये कि जब आपने रिव्यूज भी करने शुरू कर दिए, वेबिनार्स भी करने शुरू कर दिए, सब कुछ करना शुरू कर दिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कि आपने पेड एडवर्टाइजिंग करनी है। पेड एडवर्टाइजिंग सिर्फ उस सूरत में करनी है, एक जब आपको करनी आती, अगर नहीं आती तो पहले आप कोर्स ले लें कोई, या गूगल करें या हमारा कोर्स ले लें पेड एडवर्टाइजिंग का, लेकिन जब तक करनी नहीं आती तब तक ना करें। गूगल एडवर्ड्स एंड फेसबुक, ये दो तरीके पेड एडवर्टाइजिंग के, प्रोडक्ट की सेल्स के लिए पेड एडवर्टाइजिंग करें, साइंस वेबिनार के लिए पेड एडवर्टाइजिंग करें, ईमेल लिस्ट में लोगों को लाने के लिए पेड एडवर्टाइजिंग करें, भी फिगर आउट करें कि अगर आपकी प्रोडक्ट, लेकिन है, सिर्फ तो उस वो कौन से चैनल्स पे एडवर्टाइज होने वाली है, उसको फेसबुक पे, फेसबुक एंड गूगल, बस ये दो प्लेटफॉर्म्स है,
एफिलिएट मार्केटर के लिए आप इन दोनों के अलावा किसी को भी ना इस्तेमाल करें, एंड सेकेंडली सिर्फ उस सूरत में करें जब आप पहले ही एज एन एफिलिएट मार्केटर कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें। अब अगर आपको $100 आपने अर्न कर लिया हुआ है तो आप $20-$30-$50 की इन्वेस्टमेंट करें, वरना अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे तो पेड एडवर्टाइजिंग ना करें, क्योंकि बिल्कुल आपकी इन्वेस्टमेंट लगाएं, बट स्टार्ट में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जोन सा ना कोई एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, साथ साथ पैसे बनाएं, साथ साथ मोशन। अगर आपको इतनी सारे स्किल्स हैं तो आप डिजाइन क्राउड पे प्रोफाइल बनाओ, 99 डिजाइन पे प्रोफाइल बनाओ, फाइवर पे प्रोफाइल बनाओ, अपवर्क पे प्रोफाइल बनाओ, अपना वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और अपने स्किल्स को प्रमोट करो, अपने पोर्टफोलियो को शेयर करो। शान अली यूट्यूब पे हर वीडियो पे ज्यादा व्यूज ही आते हैं हमारा लाहौर में, you are more than welcome to visit us, ek appointment aap book karo aur aap zarur milo humse, we are happy ki koi bhi banda humse mile. Which is best platform from where to start affiliate marketing? Amazon associates I would say best hai. Aap affiliate marketing ka hamara course lo, wo bhi sahi hai, usse aapko pata chal jayega. Okay, walaikum assalam Adnan, kaise hain? Bade din baad nazar aaye, aapki tasveer dikhai thi unhone mujhe Adnan, phasi hui t-shirt ki, aapne to hame apni t-shirt ki tasveer nahi bheji, लेकिन आपकी तस्वीर जो सी है वो कमाल और मोबी राना के थ्रू मुझ तक पहुंच गई है और मैं माजर चाहता हूं जिस तरह से आप उसके अंदर जो है वो फंसे हुए थे, तो अगली दफ़ा मैं आपको इंशाल्लाह भाई टी शर्ट भेजूंगा। बट मेरा सजेशन है कि आप जिम जाया करें, स्टार्ट रनिंग, गो टू जिम, अपनी हेल्थ का ख्याल करें, जो लोग जितने हेल्थ पेपॉल आपको एज अ सेलर चाहिए, एज एन एसोसिएट नहीं चाहिए, आप साइन एज एन अप एंड एज एफिलिएट करेंगे तो आपको पेपॉल नहीं चाहिए फिर अमेज़न पे, नहीं आप दोबारा उसको देख लें। अच्छा YouTube चैनल पर वीन आपके पास है गेमिंग का और उस पर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे तो आप किसी और का बना लें, गेमिंग का नाम बनाए, कोई और नया चैनल बना लें। हाँ अगर नहीं समझ आएगी जैनी तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है जी, अब आपने अपनी कीवर्ड्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट के और कंपेटिटर के उनको सर्च करके उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग करनी है, ठीक है ना। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में इनरोल कर लें। 5000 का प्रोग्राम है, 5000 इज नथिंग और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप है कि आप कैसे एक अपना सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हो एफिलिएट मार्केटर का। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगर आप गिव अवे का टी शर्ट मिलेगी इसमें, और इसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल हुआ या नेक्स्ट शो के लिए रिकमेंडेशन प्लीज दिया करें कि अगला शो किस बारे में बनाएं। सो आप लोग हम चाहते हैं कि आप लोग जहाँ पे जिस चीज के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम उस बारे में ज्यादा बात करें, हम अपनी मर्जी से ये डाइड ना करें कि हम क्या बात करना चाहते हैं, जो आपको लगेगा। अफिलिएट मार्केटिंग अभी यही सारी वीडियो इसी के बारे में तो थी मोहसिन, वीडियो पे शुरू से प्ले करके देख ले अगर आपको नहीं पता चला। टी शर्ट ठीक है। अच्छा लास्ट सवाल पूछने लगा है, नेक्स्ट शो ऑन ब्लॉगिंग, यस अच्छा अच्छा टॉपिक है जैनी। मोहम्मद अदनान ये लिख लो पूछने से पहले आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ हमारा टॉप सेलिंग प्रोग्राम प्रोग्राम है, पर जिन लोगों को फ्रीलांसिंग करनी है या कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के बारे में आप वीडियो को टॉप शेयरर बन जाओ, फ्रीलांसिंग कोर्स लो। कौन है ये जिशान? फ्रीलांसिंग पे ऑलरेडी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आपको प्रिसाइज कोई टॉपिक है किसी चीज को लेके तो उसको हम जरूर कवर कर सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग ऑलमोस्ट हमने 90% कवर कर दिया है। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमारे से आस्क दानकाश पे वो पूछ सकते हैं। कम्युनिटी का इस्तेमाल करें, कम्युनिटी आप लोगों के लिए बनाई हुई है, dankash.com पे जाएं, रेड कलर का बटन है, हैशटैग लगा हुआ है आस्क दानकाश, उसके ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगी उस पे, जो भी एग्जैक्टली वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसको स्पेशल आंसर मिलेगा, स्पेशल डिटेल्ड। एडवर्ड में एड ग्रुप पर भी एक वीडियो करें, वो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में वैसे तो हुई थी एडवर्ड्स के ऊपर, पूरा का पूरा एडवर्ड्स का कोर्स है बल्कि हमारा अवेलेबल 5000 का अभी तो चल रहा है, 3000 इज नथिंग यार, 3000 का 5 का डिस्काउंट चल रहा है अभी, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। हाँ ये हो गया था ना। अच्छा वैसे ही ऑन ये भी अच्छा टॉपिक है वैसे, फ्री में मार्केटिंग कैसे। वालेकुम सलाम अदनान, कैसे हो भाई? ठीक हो?
अपवर्क की नई पॉलिसी यार, वो दो तीन लोगों से उनसे उन सबसे तो मैं मिला, एक उस लाइक बड़ा बड़ा मजे का था सेशन उनके साथ, आपसे भी इंशाल्लाह मिलने मिला। बस नेक्स्ट टास्क तो हम आपको दे सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप फिजिकल ऑफिस में आ जाएं। अब इतनी दूर बैठे हुए ऑनलाइन आपको हम कैसे टास्क दें, कह रहे मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मुझे कोई टास्क देते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। टास्क बताऊं आपको, सबसे पहले अपने एजेंसी का फेसबुक पेज बनाएं, अपनी एजेंसी की वेबसाइट बनाएं, यूट्यूब पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, ये आपका टास्क है। अपनी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी का कोई नाम सोचें और उसके लिए ये सारे पेजेस बनाएं और उनके ऊपर कंटेंट पब्लिश करें। पॉली हब, आई एम रियली हैप्पी, वेरी ग्लैड कि हमने आपको हेल्प की है। आप यस दिस मनी इन पाकिस्तानी करेंसी पूजा, तुम्हारे लिए तो और भी कम है। और लव फ्रॉम इंडिया, बहुत सारा प्यार। बॉलीवुड हब कह रहे हैं कि आई एम नाउ सक्सेसफुल ऑन अपवर्क थैंक्स टू योर हेल्प, आई एम रियली ग्लैड कि मेरी वजह से आप लोग अपने बहुत खुशी होती है। एक टेस्टिमोनियल वीडियो टेस्टिमोनियल अगर आप बना के दे दो, अगर आप कर सकते हैं, बिकॉज़ वी वांट टू शो योर टेस्टिमोनियल टू अदर पीपल एज वेल सो दैट दे कैन बिलीव इन देयर सेल्फ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ROAS स्टैंड फॉर? ROAS जल्दी से बताएं सब लोग। उस्मान, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ज़ैनी, ज़ैनी इज़ द विनर। यार ज़ैनी, ज़ैनी को टी शर्ट तो पहले मिल चुकी है इसलिए आपको मग दे देंगे हम। ज़ैनी ये जितने बाकी सारे लोग हैं दोबारा से बहुत परेशान है। फेसबुक पे अपना फेसबुक पेज पे अपना नाम और एड्रेस दे दें। ज़ैनी, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग। थैंक यू सो मच बॉलीवुड हब, वो कह रहे हैं कि मैंने सब टिप्स मैम से सीखी थी प्रपोजल राइट करने की, एंड थैंक्स टू दानकाश, मैं अपने दोस्तों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि वो इस्तेमाल करें। वेरी गुड, और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अब आप लोग लेट हो गए। फवाद बिन सेन, आप सही कह रहे हैं। मोहम्मद अदनान, असद नज़ीर, आप सब कह रहे हैं सही। नहीं, असद का जवाब नहीं सही है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, गुलाम मुर्तजा भी सही कह रहे हैं, बट ज़ैनी ऑलरेडी जीत चुकी है। सो फिर हम नेक्स्ट शो में मिलेंगे। नेक्स्ट शो में आपको जो भी आपका प्राइस होगा, आप दोबारा सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको आपका प्राइस जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी, सकते हैं वैसे हम आधे घंटे की अपॉइंटमेंट 30,000 चार्ज करते हैं, बट हम फ्री में कर रहे हैं बिकॉज हम रिकॉर्ड करेंगे इस अपॉइंटमेंट को। सो अगर किसी अपॉइंटमेंट को सो अगर किसी भी स्मॉल बिजनेस को कोई कंसल्टेंसी चाहिए, भी स्मॉल बिजनेस को कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली आपको गारंटी करते हैं कि आपके बिजनेस को स्केल करने में आपको कुछ इस तरह की चीजें बता सकते हैं जो इनसे भी हैं। हमें कांटेक्ट करें और हम फ्री बिजनेसेस को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिनको हम फ्री हेल्प करेंगे हर तरह की। सो जल्दी से हमें रابطہ करें। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बाय बाय मैक, बाय बाय सब लोगों, थैंक यू सो मच।